कॉलेज के हमारे कॉलेज के वहां बेटे नाड़े जाते थे तब हम भाई जो चौपड़पट्टी वगैरह नीचे थी वो सब डूब गई। भाई यहाँ कुछ सब्सक्राइबर मिल गए थे भाई और पूरा एक्सीलेटर प्रेस कर रखा है भाई पूरा भाई। मतलब यार ये तो एक्सेप्टेड नहीं था भाई, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था टोयोटा वालों से कि भाई 170 की 220 की भाई 220 की भाई अब हमारी गाड़ी नहीं निकल पा रही यार यहाँ से, हमें डेस्टिनेशन पे जाना है लेकिन अब यहाँ पे गड्ढे इतने हो रहे। रेडी सब सेट वगैरह सोच रहे होगे कहाँ के लिए रेडी हुआ हूँ, ये एक सरप्राइज ट्रिप है। अगर सरप्राइज वगैरह प्लान आप लोगों की सरप्राइज है, ये बार मैं इसको उसमें ही डालूंगा किसमें आपके थंबनेल में, आप थंबनेल में शायद डर जाए उसमें नहीं डालूंगा टाइटल में। तो अभी निकल चुके हैं, टाइम हो चुका है भैया आपका 6:30 और ये रहा अपना बैग और ये अपने जूते और ये अपना फोन होल्डर, क्योंकि फोन होल्डर इसलिए क्योंकि अभी नीचे जाके बताता हूँ क्यों। सो गाइस अब समझ में आ ही गया होगा क्यों फोन होल्डर लिया था, क्योंकि हम जा रहे हैं आज इसमें फाइनली भाई हमारी ट्रिप हो रही है हाई क्रॉस में, चाहे कितनी भी लंबी तो है ऐसी बात नहीं है, अब इतनी लंबी नहीं है कम दिन के लिए। सामान वामान सब कर दिया पैक, यहाँ गाड़ी वाला भाई वॉश अपनी बढ़िया अपनी पूरी साफ कर दी ऊपर ऊपर से और कर रहा है, और अब सीधा निकलते हैं जर्नी के लिए। बाकी सब तो बढ़िया है भाई, सब कुछ हो गया भाई बस जी सर। चलो इसको लेते हैं बैग, आज सुबह सुबह लगता है एयरपोर्ट गई थी मम्मी इसलिए गाड़ी निकाली। चलो सो गाइस बोलो श्री अम्बेनाथ की जय। अभी तो भाई अकेला हूँ बोलने वाला, ठीक है अभी चार लोग और हैं साथ में, तीन लोग और हैं या चार, हाँ चार लोग और हैं साथ में जा रहे हैं। आज बहुत बढ़िया दिन है, मतलब बढ़िया है तो मतलब कल होगा दिन आप लोगों के लिए भी, क्योंकि जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं ना बहुत बढ़िया है, मतलब सरप्राइज है सबके लिए, सरप्राइज है किसी को भी तक मना भी नहीं है कि मतलब कि मैंने कोई हिंट दिया ना कुछ दिया ये है वो है करके, भाई बस चलते रहो डेस्टिनेशन पहुँच जाएंगे जब आपको बताएंगे, लेकिन हाँ अब निकल चुके हैं। तो भाई इस ट्रिप में बेसिकली आपका होने वाला है, पहले इसको ऊपर कर लो फीलिंग ले लो पूरी टॉप मॉडल वाली। इस ट्रिप में बेसिकली एक सेकेंड हमारा एवरेज टेस्ट भी कोशिश करेंगे पूरे करने की भाई फुल टैंक में कितना देती है एवरेज, और पूरी गाड़ी भी चेक हो जाएगी भाई क्या सही में उतनी एवरेज क्लेम करती है इनोवा हाई क्रॉस या नहीं। लेकिन आज आप बस रास्तों का इंजॉय करो और चलो अब मिलता हूँ सीधा आपको नेक्स्ट लोकेशन। डॉलर की तो याद आएगी मेरे को लेकिन यार। सो गाइस पहला बंदा उठा लिया है, और भैया क्या हाल है भाई, गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। तो भाई अभी 10 मिनट वेट कराने के बाद ये अपने सामान वामान रख रहे हैं, चलो खैर जो भी है अभी उसके बाद चलते हैं और नेक्स्ट अपने ऐसे चलते रहती नहीं नोएडा टैक्सी तरह ऐसे कट 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 तो भी चलेगी। अब जो इस ट्रिप के जो ऑर्गेनाइजर और स्पॉन्सर है ये इनको उठा लिया हमने, अभी सामान वामान रखवाते हैं। तो भाई अभी हम लोग वेस्टर्न पेरिफेरल के टोल पे खड़े हैं और ये यहाँ पे ब्लॉक तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं हमेशा ही तरह, और देख सकते हो पूरा पीछे भाई 1 2 3 4 5 लोग, मतलब टोटल 6 लोग कंफर्टेबली जा सकते हैं। भैया कंफर्ट कैसा होता है? बढ़िया है ना कंफर्ट? बिल्कुल यही बात, देख सकते हो कितने आराम से बैठे, काफी कंफर्टेबल है, फीचर्स भी अच्छे कर दिए हैं और काफी बढ़िया है गाड़ी। तो भाई चलो आदमी के हाथ में दिला दी किसी ने ना, समझ जाओ किसके हाथ दिला दी, यार के हाथ तो दिलाई नहीं है गाड़ी, लेकिन फिर भी जो भी है अभी चल रहे हैं। अभी टोल हो गया, ठीक हो गया टोल का काम, अभी पता चला सब गाड़ी दूसरे बैठ कट रहे हैं।
उस हाईवे से जितनी भी गाड़ियां आती हैं सभी के 265 रुपए भी कटेगा, कैश कटाओगे तो भी 200 रुपए लूट मचा रहे भाई साहब। हमारी ये मजदूरी आ रहा है वो तो गवर्नमेंट ले रही है। अरे जो लूट रहे हैं गवर्नमेंट वाले उसी से सैलरी दे रहे होंगे, उनकी इच्छा वो कैसे दे रहे हैं सैलरी में लूट कैसे कर रहे हैं? तेरा हिस्सा है यार तू सैलरी दे रहा है, जो जितनी सैलरी पे 14-15 हजार अरे वो तो ठीक है, नंबर नहीं गलत चीज है यार। मतलब यार भाई मतलब फास्ट टैग हमने रिचार्ज करवा दिया और वो सब छोड़ो भाई, 1 किलोमीटर के 265 रुपीज कह रहे हैं, 265 रुपए 1 किलोमीटर के कौन मांग रहा है भाई? और कौन सा सामने वाले देख रहे हैं तेरे? कह रहा है इनका तो रोज का है, कह रहे हैं यार दूसरे दिन कोई वीडियो बना के चले जाता है। टोल कहां आएगा देखिए भाई, उससे पहले करना पड़ेगा, ऐसे तो पिल जाएंगे तो बेकाम में पैसे पैसे ले जाएंगे। चोरी का बड़ा बट अरे भूतड़ो में क्या चोरी बहुत ज्यादा है, डूब रखे हैं। हां अरे हमारे कॉलेज के भाई बेटे नाड़े जाते थे ना भाई, जो झोपड़पट्टी वगैरह नीचे थी वो सब डूब गई और कौशल बेकार हो गया भाई। ये देख सकता है वो तो क्लिप कट जाएगी ठीक है, ये कॉलेज वाली आनी चाहिए ठीक है भाई। ये देख सकते हो यहाँ पे आपको यमुना दिख रही है और ये कुछ टाइम पहले इन भैया का कहना है कि पूरी सूखी सूखी थी तो ये यहाँ आ रहे थे तो पता चल गया। गड्डी च बैठे अब रोनी सारे दे सारे अकलोली सड़कां ते जांदे आ स्लोली। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं यमुना एक्सप्रेसवे हाईवे पे, देख सकते हो यहाँ पे 120 किलोमीटर तक हम ऐसे ही चल रहे हैं और यहाँ अभी मैं देख दिखा सकता हूँ मैं आपको, यहाँ पे पूरी इसकी बैटरी चार्ज हो रही है अब इसमें, और इसको दिखाता हूँ एवरेज कितनी दे रही है अभी, कितनी दे रही है सर इसको आगे करो, ये भी दे रही है आपकी 12.9 की दे रही है क्योंकि अभी स्पीड अप डाउन हो रही है, लेकिन कहते हैं भाई कि 19-20 की दे देती है, अब देखो तो पूरी ट्रिप पे पता चलेगा। उससे पहले यार भैया भूख लग रही है, कुछ खाने को खिलवाओगे यार स्पॉन्सर? जैसे कि आप वो मैंने बता दिया वो मैकडी है हमें या जो भी आएगा ब्रेकफास्ट देखते हैं। और एक और चीज करेंगे अभी रील देख लेना, अभी इसका स्पीड टेस्ट करेंगे कि टॉप कितनी जाती है यहाँ पे, तो वो भी आपको रील तो अभी आ जाएगी, चले जाएगी 220 तक यार चलाएगा ना भैया यहाँ बैठे यार खतरनाक यार, पब्लिक को पता है अभी लद्दाख होया कश्मीर होया है, मैं भैया तो स्पीड आराम से थी ना 260-270 अब तू यहाँ बगाएगा 200+ तो वहाँ डर लगेगा ना। प्रियांशु से पूछना कितने में चलाई थी, प्रियांशु कुछ भी कर सकते हैं भाई तुम तो चलो। तो गाइस रवि ने एक जुगाड़ सेट किया है यहाँ पे, एक ऐप है ऐप या एप्लीकेशन जो भी है, तो भाई क्या होता है यार इससे? रवि से पूछना ऐप है ये, इसके अंदर क्या होता है लोग रिपोर्ट करते हैं कि यहाँ पे कैमरा है, सारी कम्युनिटी रिपोर्ट करती है, तो उससे क्या है कैमरा एस्टेब्लिश हो जाता है और वार्निंग दे देता है 300-400 मीटर पहले पहली भी, और गूगल मैप्स में कनेक्ट भी हो जाता है ये कांच लेके। हमारे पास एक बैठा है जो बीप बोलता है पीछे डिक्की में और वो बोल नहीं पा रहा, पानी की बोतल ले ली हुई ये है ना 10 दे दो वो डिक्की में बैठे ना भैया, उनके फादर 2 स्टार है पर फिर भी कहते हैं यहीं पे यूपी पुलिस में है। और भाई यहाँ पे देख सकते हो क्रू पापा का नाम अरविंद एसीपी अरविंद जोकर, पर फिर भी बात नहीं कराते इनके ससुर जी है मिनिस्टर क्या उनका भाई शिव नारायण मूर्ति, शिव नारायण मूर्ति पैसा मिनिस्टर है वो शिव नारायण मूर्ति है जो पफेल वगैरह होती है उसकी मिनिस्ट्री में वो तो ये उसके लिए
चीफ सेक्रेटरी है वहाँ का। तो भाई मजाक से हट के जो भी बात है, अभी हमने लगा ली गाड़ी भाई क्रूज पे, ठीक है क्रूज पे है ना अभी। हाँ क्रूज पे, मजाक में रहो, मजाक से क्यों उठना है मेरा भाई। अगले व्लॉग में देखना है इसका पूरा टेक्निकल, अगले व्लॉग में बताऊंगा, अभी फन व्लॉग चल रहा है, एंजॉयमेंट करते जा रहे हैं अभी। यार भूख लग रही है भैया, कहीं दही बनाना पकवान तो क्या लेगा देख, आगे आगे आने वाला है मैजिक भैया। भैया इतने मोटे हैं ये कहीं भी नहीं भैया। मैसेज भेजो नर्स आया, ये आपने सिम 1 पे कॉल हो गया खाना आ चुका है, मसाला डोसा, ये शिविया ने मोमोज ऑर्डर किए सुबह सुबह 10:30 बजे, ये छोले भटूरे और 2 आलू प्याज के परांठे विद चिल्ड कोक एंड चिल्ड फैंटा। अभी खा के बताते कैसा है, उसके निकलेंगे यहाँ से। 200 रुपए सिक्योरिटी फीस, अभी तो 1 रुपए बैलेंस है भाई। फाइनली हमारा हो गया फास्ट टैग रिचार्ज, इसमें ना थोड़ी गड़बड़ हो गई थी हमारे, जो मतलब थार का पुराना नंबर था उसके साथ पापा वाला नंबर कनेक्टेड था, तो गलती से उसमें चले गया था, तो अब मेरे नंबर पे किया फास्ट टैग, क्योंकि तीसरी बार भी तीसरा टोल था, इसके अंदर भी ब्लैक लिस्टेड दिखा रहा था। मैंने कहा यार ये क्या है हर, क्योंकि अगर फास्ट टैग ना हो तो डबल कटते हैं ना, मैंने कहा अभी तो बहुत बतेरे टोल हैं तो चेंज ही करवा लेते। भाई यहाँ कुछ सब्सक्राइबर मिल गए थे भाई, ये कह रहे कि भाई केसी व्लॉग देख रहे हैं। मैंने कहा यार ठीक है रीच बढ़ रही है यार की, चलो 3000 सब्सक्राइबर टच होने को है। देखो गाड़ी भी पहचान ली थी और चल रहे हैं अभी भाई, फास्ट टैग का सारा काम वाम हो गया, मैसेज भी आ गया, अब सीधा मिलते हैं आपको थोड़े टाइम बाद। 170 ही है बस, 76 और क्या कर रहे हो, 170 80 जा ही नहीं रही भाई, उसके बाद आरपीओ नीचे गिर रही है, उसकी वजह से जा रही है भाई। ये है BS6 के जो नॉर्म्स है ना 170 में लॉक कर रखा है उन्होंने, शायद जो जैसे 220 स्पीड है 50 किलोमीटर पर ही यार ऐसे कुछ नहीं। लेजेंडर तो हमने हमने लेजेंडर चली गई थी 195 एक बार चलाना, एक बार भक्ति है पता नहीं, हाइब्रिड इंजन है ना, फिर एक और बार देखते हैं भाई। गियर बॉक्स की वजह से अभी 153 हमने देगी, 175 के ऊपर जा ही नहीं रही है। दोबारा स्पोर्ट्स मोड दबा, स्पोर्ट्स मोड दबा। सो गाइस अब दिखाऊंगा मैं आपको कि ये कैसे आरपीएम इसके नीचे जा रही है, 175 टच कर रहे हैं अभी हम लोग, और देखो आप आरपीएम कैसे नीचे जा रही है, 173 174, और अब खुद नीचे गिर जाएगी 175 का। देखो इससे ऊपर गाड़ी नहीं जा रही 175 से, और पूरा एक्सीलरेटर प्रेस कर रखा है भाई पूरा भाई। मतलब यार ये तो एक्सेप्टेड नहीं था भाई, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था टोयोटा वालों से कि भाई 170 की, 220 की भाई टोटल स्पीड 220 की है ना, मतलब 200 तो भाई तो था, 200 तो जाएगी यार, 200 तक जानी सीवीटी का लिमिटेशन है, नेट पे देखो ये सीवीटी का भी, और जो नॉर्म जो नया है उसको लॉक भी कर दिया होगा मेरे हिसाब से, शायद लॉक वॉक कर दिया है, अब पता नहीं भाई क्या सीन है, जैसा भी ठीक है, हमने कम से कम 3-4 बार ट्राई कर लिया। सो गाइस टाइम हो चुका है 3, और यार देख रहा है बिग बॉस, और देखो कितना टाइम आ गया, 46 मिनट बाकी है, अभी पहुंच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन में, और फुल मौज आ रही है भाई। लेफ्ट साइड से निकल सकते यार, यही डिसएडवांटेज है इस टाइम पे, थार और फॉर्च्यूनर की याद आ रही है यार मेरे को। अरे यार, 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 अरे मैं भाई वो सोच रहे कि मैं मजाक उनके साथ मस्ती कर रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है यार भाई। अब हमारी गाड़ी नहीं निकल पा रही यार यहाँ से, हमें डेस्टिनेशन पे जाना है लेकिन अब यहाँ पे गड्ढे इतने नहीं, हो रहे नहीं, इस तक के गड्ढे घुटने तक के गड्ढे भाई। थार की याद आ रही है, भैया भी निकल रहे थे, देख रहे हैं क्या सीन है, घुटने जा रहे आगे ले, आगे ले गाड़ी ले, आगे आगे ले ले, ओ शिट देखना यार, कोई गली का मोड़ नहीं खड़े थी ना।
भाई यार ये बहुत रिस्की है यार, ग्राउंड क्लियरेंस नहीं है मेरे को, मैं हल्की सी थी अभी अड़ भी गई थी थोड़ी। एक गाड़ी तीन लोग, नहीं नहीं वो तो वहां पे वैसे पत्थर की आवाज आई थी। अच्छा सीधी सीधी एकदम सीधी। सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम अपने डेस्टिनेशन, और ये देख सकते हो ये हमारा कुछ होटल जो आपको कल ही दिखाऊंगा मैं, और जगह है लखनऊ से कुछ देर पहले 90 किलोमीटर कानपुर, और यहाँ कहाँ सीधा अंदर जाना है, कहाँ जाना है, लेफ्ट जाना है ये भाई। एंट्री एंट्री अच्छा एंट्री आ गया क्या, अच्छा ठीक है एग्जिट से आ गया गलती। चलो ये कुछ है भाई हमारी लॉबी, लॉबी बोलेंगे क्या बोलेंगे उसे, लॉबी बोलेंगे ना, भूल रहा हूँ यार मैं। भाई बढ़िया है यार, मतलब अच्छा तूने सेलेक्ट किया था। अब कैसे भाई बढ़िया कर रखा है काम। मैं एक और में रुका हूँ, मतलब यहाँ पे होटल सही नहीं है, एक है द लैंडमार्क, एक है ये। अच्छा ये कानपुर में बेस्ट यही है, मतलब दो है बस जो जिस जगह पे हम लोग हैं, ये और एक और। रमाड़ा नहीं है यहाँ, रमाड़ा नहीं है, कोई और नहीं है, कोई भी फाइव स्टार की चेन ही नहीं है यहाँ। कहाँ आ गया भाई। अच्छा तो भाई करता हूँ यही व्लॉग को एंड, पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। कल मैं आपको बताऊंगा कि क्या रूम है ये, रूम कल बताएं अभी बता, कल बता देते हैं। हाँ कर दे देते हैं आराम से, सरप्राइज के साथ रूम टूर भी दे देंगे। एंड भाई इंस्टाग्राम पे जिसने फॉलो नहीं किया कर लो, बहुत तगड़ा सरप्राइज आने वाला है, किसी को भी नहीं बताया था मैंने, मतलब किसी को पता ही नहीं है, मतलब घर वालों को छोड़ के। तो भाई बाकी मिलते हैं, बेल आइकन दबा लो ताकि आगे और अपडेट्स मिलते। अरे भाई धन्यवाद यार, धन्यवाद।